हे गाइस, वेलकम ऑन एकेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की जो बेहतरीन अपडेट निकल के आ रही है, बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि 30 अप्रैल 2020 को जो है ये अपडेट आया हुआ है कि इम्पोर्टेंट नोटिस एडवर्टीजमेंट एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इन अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इस एडवर्टीजमेंट को जो है डाउनलोड करके अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो है क्या क्या आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा और बाकी सारे डिटेल मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है केस एजुकेशन को, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे बेहतरीन अपडेट आते रहते हैं और आने वाले समय में काफ़ी सारे एजुकेशनल वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड हो चुका है। अब आपको जो है इस पीडीएफ में बता रहे हैं आपको कि क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पे दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अधीन सहायक अभियंता यानी असैनिक यानी सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पद पर नियुक्ति के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये सारे के सारे डिटेल जो है आपको www.bpsc.bis.nic.in यानी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञापन संख्या 7/2020 की। इसमें सहायक अभियंता यानी सिविल इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके बारे में दिया हुआ है कि इसके टोटल जो है 192 पोस्ट दिए हुए हैं सिविल के, जिसमें से 64 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 77 पद जो हैं टोटल हैं, इसमें से 28 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी जितने भी कैटेगरी के पद हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिटेल में दिए हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर किसी अन्य कैटेगरी से, अगर आप यहां से अपने सारे डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान जो AICTE से अप्रूव्ड हो उससे अगर आपने BE BTECH सिविल में किया है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि अगर आपने दूरस्थ यानी कि दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस प्रोग्राम किया हुआ है तो उसमें जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जितने भी डिटेल जानकारी यहाँ पर दी हुई है आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं जाकर के। जो मेन पॉइंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बात करें अगला विज्ञापन संख्या अगर 8/2020 के बारे में, तो ये जो है सहायक अभियंता मैकेनिकल के लिए, तो ये जो है आपके इसमें टोटल पद की संख्या जो दी हुई है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 61 टोटल पद है, जिसमें से 20 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर पद दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बातें करें इसमें भी, तो इसमें भी सेम जो है BE BTECH आपने किया हुआ होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी AICTE अप्रूवल कॉलेज से, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें आगे जो है अगला जो है विज्ञापन संख्या 9/2020, इसमें जो है सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें केवल और केवल 2 पद जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस पे कैटेगरी वाइज जो है देख सकते हैं कि किसमें कितनी वैकेंसी है। चलिए आगे, इसमें भी अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बातें करें तो इसमें भी सेम जो है AICTE अप्रूवल कॉलेज से आपका BE BTECH होना अनिवार्य है। अगर हम सैलरी की बात करें तो जो है लेवल 9 की सैलरी आपको दी जाएगी यहाँ पर। अगर बात करें एज लिमिट की, तो 1 अगस्त 2019 के अनुसार आपका एज जो है काउंट किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम जो दिया हुआ है कि 21 साल आपका एज होना चाहिए। अधिकतम अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 37 ईयर्स आपको दिए जाएंगे मैक्सिमम। पिछले वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़े वर्ग की महिला हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी की महिला हैं तो आपको 40 वर्ष जो अधिकतम आयु यहाँ पे मिल जाएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 ईयर्स यहाँ पे रखा गया। अगर बाकी आप इसके अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बाकी यहाँ पे डिटेल आपका दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी। तो जो ये पोस्ट है इसके लिए आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा। अब लिखित परीक्षा में जो है आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है 40% मार्क्स आपका आना अनिवार्य है, इतना लाना ही पड़ेगा आपको। फिर अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 36.5% मार्क्स आपके आने चाहिए। और अगर आप इसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 34% मार्क्स रखे गए हैं, और SC ST सबके लिए और विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 32% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद लिखित परीक्षा जो आपकी ली जाएगी वो 6 पेपर की ली जाएगी, जिसमें क्या है कि अनिवार्य पत्र जो है 4 पेपर आपका अनिवार्य रूप से सभी के लिए कॉमन है। उसके बाद जो है ऐच्छिक विषय 2 रहेगा, जो कि आपके जो ब्रांच है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। तो अगर हम बात करें अनिवार्य पत्र की, तो सामान्य अंग्रेजी आपकी ली जाएगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद सामान्य हिंदी भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा और 100 अंकों का ये पेपर होगा। और
ये जो पेपर है सामान्य अंग्रेजी के और सामान्य हिंदी के क्वालिफाइंग नेचर के हैं, जिसमें 30 अंक जो है यहाँ पे रखा गया है इसकी क्राइटेरिया। सामान्य अध्ययन के आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक घंटे का 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर लिया जाएगा। उसके बाद सामान्य अभियंत्रण विज्ञान यानी जिस भी जो है आप ब्रांच से बिलोंग करते हो उस ब्रांच के पेपर आपको पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर एक घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो ये तो है अनिवार्य पत्र। अब जो है ऐच्छिक पत्र में क्या होगा कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो सिविल के जो है ऑब्जेक्टिव पेपर आपसे पूछे जाएंगे एक घंटे का 100 मार्क्स का, फिर सिविल का एक और पेपर पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव एक घंटे का और 100 मार्क्स का। इसी तरह अगर आप मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो उसी तरह से आपको जो ऐच्छिक विषय में इस तरह से पूछा जाएगा। बाकी अगर आरक्षण की बात करें तो अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। करते हैं परीक्षा शुल्क की, जो फी जो है आपका कितना लगेगा। तो सामान्य अभ्यर्थी यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 750 रुपीज आपके फी रखे गए हैं। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 200 रुपये रखे गए हैं फी, और बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं सभी आरक्षित अनारक्षित जो वर्ग की महिलाएँ हैं उनके लिए 200 रुपये रखे गए हैं। और दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% से अधिक जो है दिव्यांगता कोटे में आते हैं उनके लिए जो है 200 रुपये फी रखी गई है। तो दोस्तों अगर बाकी अन्य जितने भी उम्मीदवार हैं सभी को 750 रुपीज देने पड़ेंगे, यानी जनरल ओबीसी को जो 750 देने हैं, बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसको 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो चलिए आगे अब डिस्कस इसमें करते हैं इंपोर्टेंट जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देशों के बारे में कि रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण की तिथि दी हुई है वो 4 मई 2020 से स्टार्ट होगी और 18 मई 2020 तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। ऑनलाइन के माध्यम से आप भुगतान करने की अंतिम तिथि जो दी गई है वो 25 मई 2020 तक आप जो है फी पे कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 2 जून 2020 तक आप ऑनलाइन आवेदन फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि आयोग के कार्यालय में स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक से आपको हार्ड कॉपी को भेजना पड़ेगा सभी प्रमाण पत्र के साथ, ठीक है। अंतिम तिथि उसका दिया है कि 10/6/2020 यानी कि 10 जून 2020 अपराह्न 5 बजे तक, वहाँ पे जो है शाम के 5 बजे तक जो हार्ड कॉपी आपका पहुँच जाना चाहिए बीपीएससी के कार्यालय में। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जिस तिथि को आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन के लिए आपको जो है लिंक उपलब्ध होगा, और जिस दिन आप जो है परीक्षा शुल्क भुगतान करेंगे उसके अगले दिन 11 बजे से आपका क्या होगा कि ऑनलाइन आवेदन की जो है आपका लिंक उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें आगे, इसमें महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे सारे के सारे दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी एक बार मैं आपको ये बता दूँ कि आपको किस पते पर जो है ये जो है हार्ड कॉपी आपको भेजना है। तो हार्ड कॉपी भेजने के लिए जो पता दिया गया है तो आप इस पते को नोट कर लें। यहाँ देख सकते हैं कि संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहर नेहरू मार्ग बेली रोड पटना पिन कोड दिया हुआ है। इस पे जो है आपका 10 जून 2020 तक शाम के 5 बजे तक जो है आपका हार्ड कॉपी पहुँच जाना चाहिए। किसके साथ? तो विभिन्न जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्मतिथि के लिए जो प्रूफ का काम करेगा आपका वो इसमें होना चाहिए। बाकी सारे जितने भी यहाँ पे प्रमाण पत्र दिए हुए हैं सबके सब उसमें अटैच करके आपको लिफाफे में डाल के वहाँ पे भेज देना हार्ड कॉपी। बाकी जानकारी के लिए दोस्तों आप इसको डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।